और अत्याचार करने वाले हमारे पीछे बैठे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये इनके अन्याय की इंतहा हो चुकी है। जितना अन्याय यहाँ हो रहा है ना, यहाँ कोई न्याय नहीं चल रहा। राष्ट्रपति के समक्ष जो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये झूठी शपथ ले रहे हैं कि हम भारत सरकार के कानून को मानते हैं, उसके प्रति वफादार हैं। यहाँ तो इनकी तो भर्ती इंग्लैंड से हो रही है, ये तो लिख कर दे देते हैं इसको जज बनाओ, और राष्ट्रपति को मजबूर करते हैं ये, क्योंकि वो हिंदू धर्म के महान संत हैं, संत शिरोमणि आसाराम बापू हैं। किंतु तीस्ता शीतलवाड़ आएगी, वरवर राव आएगी, सुधा भारद्वाज आएगा, गौतम नवलखा आएगा, उसको तुरंत जमानत दे देंगे। चिकित्सा आधार पर इन्होंने वरवर राव को जमानत दी है, चिकित्सा आधार पर इन्होंने सुधा भारद्वाज को जमानत दी है, चिकित्सा आधार पर गौतम नवलखा को, सब इनके सिखाए हुए बैठे हैं, चेले जपते वकील बैठे हैं, सब इन वकील नहीं है, यहाँ पर वकीलों का गिरोह है, वो इनके दलाली कर रहा है, ईसाई आतंकवादियों के नक्सलवादियों के खिलाफ बोल रहा है, उनके खिलाफ लड़ रहा है। कौन था ग्राम स्टैम्प पुरलिया में हवाई जहाज से जिसने हथियार गिरवाए थे, वो ग्राम स्टैम्प था, उस ग्राम स्टैम्प के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। पुरलिया में हवाई जहाज से हथियार, आप देखे ना इतना बड़ा कांड हुआ 1995 में, हवाई जहाज से हथियार गिराए जा रहे हैं, हथियार गिराने वाला पीटर ब्लिस पकड़े, उसको भी लोगों ने छोड़ दिया, बोले यहाँ की जेलें ठीक नहीं है, 10 साल हो गए, 10 साल में उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। किमडे भी फरार है, उसके लिए नहीं कहेंगे कि किमडे को गिरफ्तार करके लाया जाए। विनायक सेन नाम का खूंखार आतंकवादी नक्सलवादी, उसको उन्होंने जमानत दी, 2 साल जेल में रखा जाए, 2010 से वो जमानत पर आया है, जबकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उसको आजीवन कारावास की सजा दी थी। जीएन साई बाबा को इन्होंने छोड़ दिया, उसको भी आजीवन कारावास की सजा दी थी। ये जितने देश के दुश्मन हैं, जितने आतंकवादी हैं, जितने नक्सलवादी हैं, जितने देशद्रोही हैं, उनके सब ये बैठे हुए पीछे मेरे, ये सब उनके हम उनको आतंकवाद का परसरे दिखे देते हैं कि तुम 76 सैनिकों को मारे, हम बैठे तुम्हारे माई बाप, तुम्हें तुम्हारा बल बाका नहीं होने दे। इनके इनके इस अत्याचार को समझिए, यहाँ आसाराम बाबू का कानून चल रहा है, एक 76 साल का, एक 80 साल का वर्द आदमी है, मंडा से निश्चित पड़ा है, लड़की कुंवारी और बापू जी को बलात्कारी बता रहे हैं, ये बता रहे बलात्कार, लड़की मेडिकल रिपोर्ट में कुंवारी पाई गई है। केरल में सनातनी स्कूल खोलने की व्यवस्था बनाई, अंग्रेजी मशीनरी को बुरा लगा, और उस समय अंग्रेजी मशीनरी जो थी वो हिंदुस्तान की मालिक थी सोनिया गांधी, ये एक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया है। यदि वास्तविकता ही कोई घटना घटी होती तो आदमी छूट सकता था, जब जब घटना बनाई जाती है तो उसमें प्लीप्लान किया जाता है, और ये प्लीप्लान करके, और ये पूरी योजना केवल एक यही है कि सनातनी का विकास ना हो, सनातनी आगे ना बढ़े। और मैं तो कहता हूँ मोदी गवर्नमेंट में इस वाली बात पर विशेष ध्यान करना चाहिए कि इसकी वास्तविकता क्या है, वास्तविकता केवल एक है कि उसने स्कूल खोला है, और भुगतना पड़ेगा। एक ज्योति ने भविष्यवाणी की है, एक कल की वाणी नाम से परशुराम जी है, उस ज्योति ने भविष्यवाणी की है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ समय के लिए हैं, और ये गज गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे। सत्तर में आज इनको श्राप देता हूँ कि उस ज्योति की भविष्यवाणी सार्थक होगी, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे कर रहे हो, झूठे केस रच रहे हो, तुम लोग झूठा मुकदमा लड़ रहे हो, झूठी ये झूठी अदालतें झूठी है, यहाँ न्याय प्रणाली चल रही है, यहाँ तो भारत सरकार के कानून को नहीं मानते, यहाँ तो बस कानून से खिलवाड़ चल रहा है, और भुगते गए ये लोग, वक्त आ गया, अति का अंत होता है, अब इनकी अति हो चुकी है। मैं डॉक्टर राकेश दास हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम में रहता हूँ। मैं विगत 21 जनवरी को यहाँ आया था, मैं श्री संत आसाराम बाबू की रिहाई के लिए धरना था, उसमें सम्मिलित हुआ, कुल मिलाकर के उस धरने में का हुआ अच्छा हुआ, अंत में मेरे बहुत पीड़ा हुई, और मैंने कहा ये इस संत के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और मैं चूंकि रघुवंशी हूँ, रघुवंश की परंपरा है कि वह अन्याय को बर्दाश्त उसने नहीं किया है, राम का क्यों जान देखें ये राम का इतिहास। पहले अखिल भारत हिंदू महासभा सनातन धर्म रक्षा संघ से मैं माणिक देशमुख, मुन्ना शर्मा जी अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, दारा सेना के अध्यक्ष हैं मुकेश जैन साहब, और भी हिंदू संगठन, कम से कम 20-25 हिंदू संगठनों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें ये मांग की गई कि संत आसाराम जी बापू, उनकी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा की जो याचिकाएं लगातार जमानत की याचिकाएं खारिज की जा रही है हाई कोर्ट जोधपुर और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हमारी ये मांग है कि किसी भी हिंदू संत को, किसी भी कैदी को उसके अच्छा अनुसार इलाज करने के लिए सुविधा दी जाए,